नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता और आईसा की सदस्य शहला रशीद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शहला के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला ने भारतीय सेना को लेकर 2 आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। इसके बाद शहला रशीद शोरा के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से भारतीय सेना के बारे में 2 ट्वीट करने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलक आलोक श्रीवास्तव की शिकायत के आधार पर 3 सितंबर 2019 को FIR दर्ज की गई थी। दरअसल कश्मीर की रहने वाली शहला रशीद ने 18 अगस्त 2019 को भारतीय सेना को लेकर 2 विवादित ट्वीट किए थे। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, आर्म्ड फोर्सेस रात के समय घरों में घुसती हैं, लड़कों को उठा लेती हैं, जानबूझकर राशन जमीन पर फेंक दिया जाता है, तेल को चावल में मिला दिया जाता है। और दूसरे ट्वीट में लिखा था, शोपिया में 4 लोगों को सेना के कैंप में बुलाया गया, पूछताछ प्रताड़ित की गई, एक माइक को उनके करीब रखा गया जिससे पूरे इलाके के लोगों को उनकी चीखें सुनाई दें और वो दहशत में रहें। ऐसा करके पूरे इलाके में खौफ का माहौल बनाया गया। उसी दिन भारतीय सेना ने शहला रशीद के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि आरोप आधारहीन है। सेना ने आरोप लगाया कि ऐसी फेक न्यूज और अपुष्ट जानकारियां शत्रुता की भावना से फैलाई जाती हैं। इसके बाद एक वकील ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। दिल्ली के गृह विभाग ने पाया कि मामले की प्रकृति और ट्वीट की लोकेशन के चलते सेना के खिलाफ झूठे आरोप लगाया जाना एक गंभीर मामला है। ये मामला IPC की धारा 153A के तहत आता है। ये सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है और इस मामले में LG ने CRPC 1973 की प्रासंगिक धारा 196 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी कि आने वाले वक्त में शहला रशीद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।